बैंक मोड़ का ओवरब्रिज शनिवार की देर रात अचानक से भरभरा कर गिर गया। करीब 40 से 50 फीट लंबा ये ब्रिज अचानक से गिर गया, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, और इससे इस ब्रिज की हालत सामने आ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात के करीब 9 बजे के बाद ये घटना हुई है। गनीमत ये रही कि इस दौरान यहाँ पे कोई नहीं था और चहल पहल नहीं थी, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। आप देखिए कि किस प्रकार से ये ब्रिज सामने में गिर गई है। कई केबल यहाँ पर हैं जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ब्रिज इतनी भारी थी कि वो केबल को लेकर भी नीचे गिर चुकी है। यहाँ पे कुछ लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी स्थिति पिछले कई महीनों से थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और ये गनीमत रही, सभी का यही कहना है कि गनीमत रही कि इस दौरान यहाँ पर कोई नहीं था, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस घटना ने बैंक मोड़ के ओवरब्रिज की ये जर्जर हालत को बयां कर रही है और खतरे की घंटी बजा दी है। वहीं आपको बता दें कि बैंक मोड़ ओवरब्रिज 5 दशक से बारिश और धूप झेल रहा है। धनबाद शहर की लाइफलाइन बनी हुई है। वहीं 1972 में बैंक मोड़ फ्लाईओवर बना था। पिछले साल अक्टूबर माह में बैंक मोड़ फ्लाईओवर की क्षमता जांचने के लिए ओडिशा की कंसल्टेंसी कंपनी भी आई हुई थी। वहीं कंपनी के प्रतिनिधियों ने कई दिनों तक जांच के बाद ओवरब्रिज को खतरनाक भी बताया था। इसके बावजूद भी विभाग की नींद अब तक नहीं खुली है और ये रिजल्ट हम अपने सामने देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी रहता तो किसी बड़े हादसे से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम बातचीत कर उनके पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं। ये बैंक मोड़ का ओवरब्रिज कल रात में इस प्रकार से टूट कर गिर गया, क्या कहेंगे आपकी, क्या वजह रही, किसकी लापरवाही है ये? देखिए, यहाँ के प्रशासन और नगर निगम का लापरवाही है कि ब्रिज इतना बंजर हो चुका है जिसके देख रेख में कोई मतलब कोई देखने वाला नहीं है। रात से गिरा हुआ है ये पोल, अगर ये दिन में गिरता तो बहुत सारे हादसा हो सकते थे। यहाँ स्टूडेंट लोग का आना जाना है, मेन रोड समझ लीजिए है, ये 24 घंटा चालू रोड है, ये किसी भी तरह का ये हादसा हो सकता था। ये तो इत्तफाक है कि ये रात में गिरी है, आंधी तूफान के कारण ये रात में गिरी है, तो बहुत सारे ये बच गए कि नॉर्मल हादसा से बच गया है। मगर फिर भी देखिए, रात से गिर के पड़ा हुआ है, अभी तक इसको कोई उठाने के लिए कोई भी नहीं आया है, ना कोई देखने के लिए आया है। यहाँ के प्रशासन लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, लोग मतलब अपना कुछ है ही नहीं यहाँ के लोग। ये बरसों पुराना ये ब्रिज है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ पेपर में और कागजातों में काम चल रहा है। मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ पेपर में ही दे रहा है, अभी तक कि कोई तरह का किसी काम भी नहीं हो पा रही है। मेंटेन होगा क्या, ब्रिज की हालत देखिए तो पूरा बंजर हो चुका है। नाम बता दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद साजिद है। अभी कल रात में अचानक से बैंक मोड़ का ब्रिज भरभरा कर गिर गया, ऐसे में उस वक्त गनीमत रही कि कोई नहीं था, लेकिन अगर कोई रहता तो बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मामला तो कोई चर्चा ऊपर चर्चा का मामला नहीं है, ये तो बहुत चिंता का मामला हो गया है। धनबाद के अंदर में केवल जाँच सर्वे और DPR का शहर बन गया है धनबाद। ये जो 30 फुट लंबी रेलिंग जो गिरी है, ये बहुत बड़ी घटना है। वो जो जिस समय में गिरी है, ये रात में, अगर ये काम के समय में गिरी होती, चालू बाजार में गिरी होती, तो शायद अभी तक हम लोग जो हैं कहीं ना कहीं घाट में पहुँचे हुए होते या अस्पतालों में पहुँचे हुए होते लोगों को देखने के लिए। धनबाद में प्रशासन हो या सरकार हो या हमारी कई संस्थाएँ हो, ये धनबाद के प्रति क्या दायित्व निभा रही है इसका समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले 3 दिनों तक इस ब्रिज को बंद कर दिया गया था सर्वे के दृष्टिकोण से, कि ब्रिज कितना मजबूत, कितना कमज़ोर, कितना जानलेवा और कितना इसका जीवन है। 3 दिन बंद करने के बाद में भी इसका मतलब सर्वे क्या हुआ था? अगर ये रेलिंग पूरी गिरी है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो हम तो ये स्पष्ट बोल सकते हैं, जितने भी यहाँ पर लोग जाँच करने के लिए आए थे वो सभी केवल खानापूर्ति करने आए थे। अदरवाइज जो है, जब 3 दिन बाज़ार बंद होता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम पूरा हो जाता है। और 3 दिनों में जांच काम पूरे होने में, वो भी अगर जांच हुई है, ये रेलिंग जो है 30 फुट गिर जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। और मुझे तो लगता है कि धनबाद वास्तव में अब राम भरोसे, भगवान भरोसे हो गया है। जब तक भगवान चाहेंगे हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन भगवान की मर्जी होगी वो उठा लेंगे हमें। प्रशासन से, सरकार से, PWD से, साज से अब हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई है। आप एक प्रश्न पूछ रही है हमसे, आपने मेरा
बयान लेना चाहा है, बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब का कुछ माने रहता है, किसी पर कोई कानून में जू नहीं रेंग रही है। जहाँ जैसे कल रात में गिरने के बावजूद भी अभी तक वहाँ से जो गिरे हुए जो वहाँ पे पुल है, वो रेलिंग है, उसे नहीं हटाया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, रास्ता बाधित है। ये बहुत बड़ी बात है, ये वो रास्ता बाधित भी है, प्लस वो उठाया नहीं गया, उसके पीछे कई कारण हो सकते होंगे। लेकिन वो जो गिरा है, आगे और न गिरे, उसके लिए तुरंत वहाँ टीम पहुँचनी चाहिए थी। 30 फुट गिर गया है, वो तो गिर गया है, आगे और 60 फुट न गिरे, ये भी तो संभव है। वो जो उठाया गया नहीं उठाया गया, ये तो प्रशासन समझेगा। लेकिन आखिर में गिरते के साथ में तो तुरंत तत्काल जो यहाँ पर एक टीम आई, जिस तरह भूकंप होने पर, रोपे टूटने पर, बाढ़ आने पर, जैसे वो एक बड़ी टीम आ जाती है, उससे टीम का मामला हो गया। ये कभी भी कोई भी घटना, एक तो घटना हो चुकी है, आगे घटना ना हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हमें इसकी बहुत, मैंने पहले बताया आपको, हम राम भरोसे हैं शायद, वो राम भरोसे जिएंगे भी मर भी जाएंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, हमने जब यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से इस ब्रिज की ऐसी हालत है, जिसे लेकर कंप्लेन भी किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि किस प्रकार से ये जो रेलिंग है, करीब 40 से 50 फीट लंबा ये रेलिंग कल रात से गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब तक सूद लेने वाला कोई नहीं है। इसके बारे में प्रशासन को बताया भी गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, पैदल जाने वाले राहगीर किसी तरह दूसरे तरफ पहुँच भी जा रहे हैं, लेकिन जितनी बाइक है और बाकी जो गाड़ियाँ हैं उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ रहा है। ऐसे में कागजी तौर पर इस ब्रिज के पुनर्निर्माण को लेकर बातें तो चल रही हैं, लेकिन हकीकत यहाँ धरातल पर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कब तक इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अगर जल्द इस मामले पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो किसी बड़े दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।